सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं ये देखिए कुछ डिवाइस मंगाया हूँ, देखते हैं इसमें इसके अंदर क्या निकलने वाला है। ठीक है तो चलते हैं दोस्तों, और इस पैकेट को खोल दो। अभी नया नया मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों तो चलते हैं, मैं खोलता हूँ इसको, देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये देखिए इसको मैं इस तरीके से फाड़ता हूँ। देखिए पैकेट है, पैक है ये। तो ये देखिए दोस्तों क्या है इसके अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों मैंने एक शोल्डर मशीन मंगाया है। ठीक है, ये शोल्डर मशीन है जो कि मुझे सोल्डिंग करनी है किसी चीज़ की, तो मैं ये मंगाया हूँ। ठीक है तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये देखिए इसकी ये है, ये देखिए इसकी ब्रांडिंग है, ये किस ब्रांड का है तो आप देख सकते हैं, मैंने इस ब्रांड का मंगाया है। ये देखिए, और मैं देखता हूँ इसके अंदर है क्या। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हीटिंग की और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स के ऊपर दिख जाएगा आपको, तो आप देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इसको अनबॉक्स करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर है क्या। ये देखिए इसके अंदर एक छोटा सा बैग है, वाह प्यारा सा बैग है दोस्तों। तो गाइस ये बैग तो मुझे बहुत प्यारा लगा। ठीक है तो देखता हूँ इस बैग के अंदर है क्या। वैसे वो खुल जा भाई। ये देखिए दोस्तों, वाह ये दोस्तों ये है सोल्डरिंग फ्लेक्स है। ठीक है तो सोल्डरिंग के काम में आता है ये, एक तो ये है और ये सोल्डिंग तार है। ठीक है, सोल्डिंग करने के लिए तार की ज़रूरत पड़ती है, तो सोल्डिंग केबल की सोल्डिंग केबल दिया है इसके अंदर, तो इसका यूज़ करूँगा मैं अभी। और ये देखिए मशीन है, सोल्डिंग मशीन, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये इस तरीके की सोल्डिंग मशीन है ये। ठीक है, ये इसकी ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग देख सकते हैं, और ज़्यादा खास तो है नहीं बट ठीक है, छोटे इंस्ट्रूमेंट को सोल्डिंग करने के लिए तो मेरे को चाहिए था तो मैंने मंगा लिया है। तो दोस्तों ये तार, इसकी केबल देखते हैं कितनी बड़ी है, अगर हमें कहीं बैठ के करनी है तो इतना इनफ है कि नहीं है, कितने मीटर की होगी। तो मैं भी इसको खोलता हूँ। ये गाइस ये देखिए समथिंग ये 1 मीटर की होगी लगभग ये केबल, तो आप इसको स्विच ऑन करके आप यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हैं केबल अपने स्विच में लगा के, तो इतना डिस्टेंस तो होता ही है, कोई बात नहीं। ये ज़्यादा सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा है नहीं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके के ये 3-4 सामान है जो इसके अंदर आया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।